हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें आज मैं आपको क्वेश्चन थर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सेम कलर विद ए मैसेज, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ये हमारा रफ स्केच मैंने बनाया है। ये 11 मीटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं ये 6 मीटर है, और बेस हमारा है 15 मीटर का। तो हमने देखा साइड हमें ए बी और सी के रूप में, ए मिला 15, बी मिला 11 और सी मिला 6 मीटर के रूप में। तो अब सेमी पेरीमीटर यानी एस के लिए मैंने 15 + 11 + 6 किया, तो आ गया 32/2 करने पर मिला 16 मीटर, यानी एस हो गया मेरा 16 मीटर। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हिरोन फार्मूला के थ्रू, जो कि है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फार्मूला। तो एस हमें मिला है 16 यहाँ पर, उसके बाद मैंने किया 16 - 15, 16 - 11 और 16 - 6। तो सबटेक करने के बाद हमें मिला 16 × 1, यहाँ पर 16 - 15 करने पर 1 बचा, 16 - 11 करने पर बचा 5 और 16 - 6 करने पर बचा 10। अब मैंने इस होल वैल्यू को फैक्टराइज किया तो मुझे मिला 16 के लिए मिला 2 × 2 × 2 × 2, 1 के लिए 1 ही रह गया, 5 के लिए भी 5 रह गया और 10 के लिए हमें मिला 5 × 2। तो फाइनली जो पेयर बनता है मेरा वो बना एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर 2 का और एक 5 का पेयर यहाँ से बनता है। तो और जो पेयर बना वो हुआ 2 × 2 × 5, और सिंगल वैल्यू क्या छूट गई, अब ये 2 छूटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 × 4 = 20, यानी 20 का रूट 2 मीटर स्क्वायर जो है वो पेंटेड एरिया है। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 मीटर। पेरीमीटर 42 मीटर गिवन है, एक साइड हमारा 18 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरा 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, जो कि गिवन है 42 मीटर। इसलिए मैंने क्या किया, थर्ड साइड को निकालने के लिए हम साइड 1 और साइड 2 को सम करेंगे और प्लस करने के बाद पेरीमीटर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो थर्ड साइड शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने किया 18 + 10 = 28। अब 42 से मैंने 28 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 14 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड में मालूम हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर, क्योंकि 42 कहा गया था तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बाई 2 होता है, इसलिए मैंने किया 42/2, तो आ गया 21 मीटर। देन अब हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला को अब हम अप्लाई करते हैं हिरोन्स के थ्रू, जो कि है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू 21 मिली है और यहाँ पर मैंने किया 21 - 10, 21 - 18 और 21 - 14। तो जो वैल्यू बची वो हुआ 21 × 11 × 3 × 7। और अब जब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ मैंने देखा 3 1 मिला और 3 यहाँ पर सेकेंड है, तो ये 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ 7 मिला दो बार, 7 का पेयर बन गया, 11 सिंगल है। तो हमने किया 3 × 7 √11, यानी 3 × 7 = 21 √11 cm² इसका एरिया होता है। क्वेश्चन 5 है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। यहाँ पर मैंने एक एज्यूम किया कि लेट द साइड बी एक्स, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 25x, बेस हो गया 17x और परपेंडिकुलर हो गया 12x के रूप में। तो यहाँ हमने देखा साइड हमें है मिला जो वो 12x मिला, 17x मिला, 25x मिला, तो पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो अब हम ये कह सकते हैं जब इनको मैंने सम किया, यानी 12 + 17 + 25, तो हमें मिलता है 54x, और अगर 54x की वैल्यू है 540 सेंटीमीटर के इक्वल, तो हम
ये देखते हैं कि हर साइड कितने का होता है। तो मैंने किया 12x = 12.54 × 540, तो मिला 120 सेंटीमीटर। 17x के लिए 17/54 × 540, तो मिला 170 सेंटीमीटर। और 25x के लिए 25/54 × 540, तो मिला 250 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेमी पेरीमीटर मुझे मिलता है 540/2 करने पर 270 सेंटीमीटर। तो जैसा कि अब हमने इसका साइड मालूम हो चुका, पहला साइड है 250 सेंटीमीटर, दूसरा है 170 सेंटीमीटर, और तीसरा है 120 सेंटीमीटर, और एस यानी सेमी पेरीमीटर है 270 सेंटीमीटर। मैंने हिरन्स फार्मूला को अप्लाई किया जो कि 270 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया 270 माइनस 150, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 120। तो मुझे वैल्यू मिला 270 × 20 × 100 × 150। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो वैल्यू बना 3 × 3 × 3 × 2 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 2 × 5 × 5। और जब इसको मैंने एक ग्रुपिंग करना शुरू किया, जब मैंने इनका ग्रुपिंग करना शुरू किया तो जो वैल्यू मुझे मिली वो होता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें जो मिला वो होता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 5 के इस क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू very much.